हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रत्ना अपने पति की मृत्यु के बाद गांव में रहती थी, लेकिन उसके बेटे दीपक की नौकरी शहर में लग जाने के कारण वो लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। दीपक को उसी ऑफिस में एक जानवी नाम की लड़की पसंद आती है। दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और शादी करके रत्ना बहू को घर ले आकर बोलती है, बेटा भी यहीं खड़े रहो दोनों, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। रत्ना आरती की थाली लाकर आरती उतारते हुए अपनी बहू का स्वागत करती है। आ जाओ बच्चों, हमेशा खुश रहो, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, नजर ना लगे किसी की। दीपक जा बहू को कमरे में ले जा और इसका सामान ले जाकर कमरे में रख दे। दीपक जानवी का सामान लेकर कमरे में रख देता है और दोनों अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिन बाद एक सुबह जानवी सब के लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती है, जिसके बाद रत्ना अपनी बहू बेटे के साथ चाय पीते हुए बोलती है, मैं कितनी बुढ़िया सी लगने लगी हूँ बहू, मेरे काले बाल कर दियो, सफेद सफेद से हो गए हैं। क्या मम्मी, बुढ़ापे में आपको कौन देख रहा है? अरे तेरे पापा ऊपर से देख रहे हैं, सफेद बालों को लेकर घूमने वाली उम्र नहीं है मेरी, अभी तो मैं जवान हूँ। मम्मी जी आपकी उम्र कितनी होगी? 54 की हो गई है मम्मी। क्या इतनी जल्दी सफेद बाल आ गए? हाँ बहू, इसके पापा के गुजरने के बाद मैं अकेली हो गई थी, गांव में कोई नहीं था संभालने वाला, इसलिए टेंशन में ऐसी हालत हो गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो हम है ना आपको संभालने के लिए, पहले की तरह मैं आपको वापस जवान कर दूंगी, बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अरे उसकी चिंता ना कर, अपनी जवानी में मैं सबसे सुंदर थी, कोई नहीं था मेरी बराबरी का, सब तारीफ करते थे, मैं तो यही सोचती थी कि कब मेरी बहू आए, तू आई तो जवान होने की उम्मीद मिल गई। हाँ जी मम्मी जी, चलो मैं आज आपको एक नया लुक देती हूँ। देखा आपकी बहू को आपका कितना ख्याल है, चलो भाई हम भी देखें अपनी बूढ़ी माँ का नया मेकओवर। जानवी अपनी सास को अपने कमरे में ले जाती है, जिसके बाद वो उनके बालों को कलर करती है और हेयर वॉश करके बोलती है, अरे वाह काले बाल तो मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। अभी तो आपका पूरा का पूरा लुक चेंज करना है, आपको मेरे साथ सैलून चलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मेरा खर्चा बैठाओगे आप दोनों? मैडम जी कितना खर्चा आ जाएगा बुढ़े को जवान बनाने में? बताऊं तुझे, बुढ़िया किसे बोल रहा है कमबख्त, तेरी बुआ होगी बुढ़िया। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप तो बुरा ही मान जाती हो, वैसे कमला बुआ आपको देखकर चिढ़ने लगी हैं। उसकी तो आदत है शुरू से चिढ़ने की, जा जाकर दूध ले आ, सुबह चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। ऐसे ही समय गुजरता है और अगले दिन सुबह जानवी अपनी सास के लिए ग्रीन टी लेकर आती है और बोलती है, लो मम्मी जी चाय पी लो। ये चाय है, दूध डालना भूल गई क्या बहू, या वो कामचोर कल लेकर ही नहीं आया? नहीं मम्मी जी ग्रीन टी है, आपका बैली फैट कम करना है ना। अब तो मेरा पेट कम करेगी? ना ना ऐसे ही ठीक है, मेरा पेट दिखेगा तो लोग समझेंगे खाते पीते घर की है, और क्या मोटे लोग खूबसूरत और जवान नहीं दिखते? नहीं मम्मी जी, आप बस थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो फिट हो जाओगे, डेली योगा करने से देखना आपके फेस पर कैसे इंस्टेंट ग्लो आएगा। हाँ इस उम्र में तेरी तरह अपनी पतली कमर लेकर घूमूं फिर मैं? ठीक है, अगर आपको फैट कम नहीं करना दैट इज ओके, लेकिन अगर आपको वापस से जवान दिखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू योग करने लगती है। कुछ देर में रत्ना जानवी को रोकते हुए बोलती है, बहू अब बस भी कर, मैं थक गई योग करते हुए। ठीक है मम्मी जी, आप तब तक रेस्ट कर लो और फिर जूस पी लेना, मैं तब तक आपकी डाइट बना कर लाती हूँ। जानवी अपनी सास के लिए फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड लाती है, जिसको खाकर रत्ना बोलती है, बहू ये खाना खाकर मुझे मजा नहीं आ रहा, तो ऐसा कर पराठे बना दे मेरे लिए आलू के। नहीं मम्मी जी, जवान रहने के लिए आपको यही खाना होगा, और कल आपको मेरे साथ पार्लर चलना है। बहू पार्लर वार्लर तो रहने दे, लोग बातें करेंगे, पति के मरने के बाद बड़ा सज धज के घूम रही है। आपको लोगों की बातों से क्या लेना देना, आप लोगों के कहने पर चलना चाहती है या फिर मेरे साथ? कल आप मेरे साथ जा रही है तो मतलब जा रही है। ठीक है फिर, हीरोइन मुझे बना देना, सब डॉलर चढ़ाऊंगी बदले में। जानवी की वजह से रत्ना का खान पान भी अच्छा हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन
उसकी बहू उसे ब्यूटी पार्लर ले जाती है और अपनी सास का फेशियल और हेयर कलर कराने लगती है। तभी रत्ना बोलती है, बहू मुझे अपने बालों को भी तेरी तरह साइड में रखना है, इसलिए देखियो ऐसा लुक किया जाए कि कोई बोले ना कि मैं तेरी सास हूँ। मम्मी जी आप टेंशन ना लो, सब कुछ होगा। ऐसे ही शाम को रत्ना को पार्लर से नया लुक मिल जाता है और रत्ना खुद को शीशे में देखकर बोलती है, ये मैं हूँ बहू। अरे वाह, ये तो चमत्कारी हो गया, सब तेरी वजह से ही हुआ है। मम्मी जी आपकी सबसे बड़ी वजह तो यही है खूबसूरती की कि आप खुश रहती हैं। जो जितना खुश रहता है ना उतना ही जवान दिखता है, और बाकी आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। अब मैं तेरे साथ घूमने जाऊंगी साड़ी पहनकर, जो भी मुझे देखेगा बस यही कहेगा हवा हवाई आई। सही कहा आपने, आज तो दीपक जी आपको देखकर बेहोश हो जाएंगे, उन्हें यकीन ही नहीं होगा आपको देखकर। यूं ही जानवी और रत्ना अपने घर जाते हैं, जहां रत्ना की ननद कमला पहले से ही उनका घर पर इंतजार कर रही थी। घर आकर जानवी अपनी बुआ सास की पैर छूती है और बुआ सास बोलती है, जीते रहो बेटा, ये कौन है, तेरी भाभी? नहीं बुआ जी, ये आपकी भाभी है, मेरी सासू माँ। क्यों पहचाना नहीं मुझे? क्या ये मेरी भाभी है? बुढ़ापे में भी इतनी जवान कैसे लग रही है, बड़ी मैडम बन रही है बुढ़ापे में। क्या माल पानी खा रही हो भाभी, कोई टॉनिक पी लिया जिससे रंग रूप निखर गया है तुम्हारा? तुझे किस बात की जलन हो रही है, तू भी खा पी सही से, तू क्यों जल जल के काली हो रही है? मैं क्यों जलूंगी, तुमको ही ज्यादा जवानी आ रही है, गांव से आकर पर लग गए हैं ना, लगता है गांव से ज्यादा शहर का पानी लग गया है तुम्हें। तू भी तो गांव से शहर आई है, तू किसी कोयले की खान से निकल कर आई है क्या? वैसे लोग तो जलते ही हैं देख देख कर मुझे, आखिर खूबसूरत हूँ जवान हूँ तभी लोग मरते हैं मुझ पर, कुछ दूर दूर से जलते रहते हैं। मैं तो चाहती हूँ मुझे देख कर लोग ऐसे ही जलते रहे, क्यों सही कहा ना? तभी दीपक रसोई से चाय बना कर लाता है और जानवी को बोलता है, ये कौन है? आपको नहीं पता, सही से देखो मम्मी जी ही हैं। यार अनबिलीवेबल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाओ मम्मी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा। मम्मी वो थैंक यू होता है। वैसे भाभी गांव से आकर तो कमाल ही कर दिया आपने, इंग्लिश भी आ गई, पहले से बढ़िया और जवान भी दिख रही हो एकदम, कहीं बुढ़ापे में तुम्हें कोई पसंद ना कर ले। कहां से बुढ़िया दिख रही हूं? बार बार बुढ़ापा आ गया बोल रहे हो, अभी तो मैं जवान हूं। भाभी बोला करो मुझे, भाभी हूँ मैं आपकी। आखिरकार मेरी मम्मी जवान हो ही गई, सो प्रिटी, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। मम्मी आप अपने टाइम में किसी हीरोइन से कम नहीं होंगी। ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है। कमला अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद दीपक बोलता है, मम्मी कमला बुआ को देखा, उनकी शक्ल देखने लायक थी। हाँ जी मम्मी जी, साफ पता चल रहा था कि वो आपसे चिढ़ रही है। हाँ हाँ जलेगी ही, क्योंकि बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। आखिरकार रत्ना को उसकी बहू मोटिवेट कर देती है और पार्लर जाकर उसको नया लुक मिलता है, जिसके बाद जानवी की सास सुंदर दिखने लगती है और वो खुद को जवान समझने लगती है। अद्विका रात को अपनी दोस्त जिया के साथ ऑफिस से घर आ रही थी कि तभी जिया कहती है, यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अब इतनी रात को खाना कहाँ मिलेगा? थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगते हैं, तभी अद्विका को नजर आता है कि सामने किसी की शादी पार्टी हो रही है और वो जिया से कहती है, यार देख सामने शादी हो रही है। हाँ तो? अरे तुझे भूख लग रही है ना, चल आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओ तो तू ये चाहती है कि मैं यहाँ जाऊँ और खाना खाऊँ, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? चाहती क्या है, तू जाएगी और तुझे जाना ही पड़ेगा, कह दिया बस कह दिया। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उस शादी में ले जाती है और दोनों वहाँ जाकर सभी को हाय हेलो करने लगते हैं। अद्विका जल्दी से माजा का भरा हुआ गिलास उठाकर पीने लगती है, तभी जिया उसके सर पर मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ मैडम, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, पार्टी एंजॉय करने नहीं, जो तू बड़े मजे से माजा पिए जा रही है। यार तुझे पता है ना
कि मुझे माजा कितना ज्यादा पसंद है। इसका रस जब जुबान पर आता है ना, तो होठों से लेकर दिल तक सब रसीला हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर अभी अपनी माजा का मजा बाद में लियो, चल पहले कुछ खा लेते हैं। खाते हैं, तुझे पता है ना, मुझे माँ माजा नहीं पीने देती। तब भी यार, जितना एक शराबी शराब नहीं पीता ना, उससे ज्यादा तो तू माजा पी जाती है। यार जब से कैटरीना कैफ ने माजा का है टीवी पे किया है ना, बस तभी से मैं तो कैटरीना की और माजा की दोनों की फैन हो गई हूँ। अच्छा चल अब जल्दी जल्दी खाना खाते और निकले यहाँ से, वरना कहीं पकड़े गए तो। दोनों जल्दी से खाना खाकर उस बेगानी शादी से निकलकर अपने घर की ओर चल देती हैं। ऐसे ही दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में अद्विका अपने लिए 2 बोतल माजा ले लेती है। ऐसे ही अगली सुबह अद्विका नाश्ता करते समय फ्रिज में से माजा लेकर आती है और पीने लगती है कि तभी उसका भाई रोहन कहता है, ओए दीदी, मम्मी को बताऊं कि तू फिर से माजा खरीद कर लाई है और सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया। भाई तुझे पता है ना कि मम्मी को पता लग गया तो मेरी ऐसी कम तैसी कर देंगी। अरे फिर क्यों चिल्ला रहा है, किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? तुझे पीनी है तो ऐसे ही बोल देना, फंटे को बेल रहे। हाँ हाँ रुक तू, मम्मी जरा इधर आना। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मी सीमा आती है और कहती है, अरे क्या हुआ? मम्मी मना किया है ना आपने इसको कि माजा नहीं पीनी, मगर फिर ये माजा की बोतल लेकर आई है और पी रही है यहाँ बैठकर। क्यों रे, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? कितनी बार तुझे समझाया है कि किसी भी चीज को ज्यादा खाने पीने से हमारी हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है। हे भगवान, मुझे डेंगू भी नहीं होता कि डॉक्टर मुझे बोले कि पेशेंट को सिर्फ माजा ही दिया करो। हे भगवान, आपको यही नालायक देनी थी क्या? ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका का बर्थडे आता है, जहाँ बिना मेहमान के बस फैमिली में ही छोटा सा सेलिब्रेशन होता है और अद्विका अपने लिए माजा की बोतल की शेप का केक लेकर आती है। जब उसकी मम्मी और भाई वो केक देखते हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। दीदी केक भी माजा की बोतल जैसा बनवा लाई, क्या करूँ मैं इस लड़की का? दीदी लड़कियाँ चॉकलेट की दीवानी होती हैं, शॉपिंग की दीवानी होती है और तू माजा के पीछे पड़ी है। रोहन बेटा, तेरी दीदी का जन्मदिन है ना, तो उसको जो अच्छा लगा तभी तो वो लेकर आई है ना। हाँ माँ, तभी तो लाई हूँ मैं, आप नहीं समझ पाओगे मेरी और मेरी माजा की फीलिंग्स को। मम्मी इसके लिए तो आप एक छत पर टंकी लगवा दो जिसमें माजा ही भरी हो। वाह मेरे छोटे भाई, आज की ना तूने कोई दिमाग वाली बात। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो केक काट ले अब। हाँ मम्मी। तीनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी मजाक चलता रहता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका बुखार चेक करके उसको दवा देकर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अद्विका का बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसकी मम्मी फिर से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स को देखकर कहते हैं, जी इनको डेंगू हुआ है और मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इनको एक हफ्ते तक सुबह शाम ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, आप अच्छे से इसका इलाज करिए। अब अद्विका को डॉक्टर अपनी क्लिनिक में एडमिट कर लेते हैं और सुबह शाम उसको अब ग्लूकोज लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद डॉक्टर उसको क्लिनिक से छुट्टी दे देते हैं और तभी डॉक्टर सीमा से कहते हैं, जी इनको आप इतना हो सके माजा फ्रूटी यह सब पिलाना, इनकी सेहत के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर। दोनों माँ बेटी अब घर आ जाती हैं। घर आकर सीमा अद्विका को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ उसको दवाइयाँ देकर उसकी माँ माजा पिला देती है। अब सुबह शाम उसको ज्यादातर माजा ही दिया जाता था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब उसकी मम्मी उसको माजा देती है तो वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी क्या है, जब देखो तब मुझे यही पिलाती रहती हो, अरे मैं पक गई हूँ इससे। पहले तो तुझे बहुत पसंद था ना बेटा। हाँ लेकिन अब पसंद नहीं है, प्लीज मेरे सामने से ये माजा ले जाओ। ठीक है, मगर अब डॉक्टर बोले हैं तो तुझे पीनी तो पड़ेगी ही ना, और तू ही तो कहती थी ना पहले कि तुझे डेंगू हो जाए तू माजा ही पीती रहे, तो तेरा सपना पूरा हो गया ना बेटा। मैं नहीं पी रही,
अब तो मेरा मन भर गया है इसे पी पी कर। ऐसा लगता है जैसे एक घूट और पीऊंगी ना तो उल्टी ही आ जाएगी मुझे। अब समझ आया तुझे अद्विका कि जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाते पीते है ना तो एक ऐसा वक्त आता है कि हमारा उससे मन भर जाता है। जैसे अब तेरा मन माजा से भर चुका है क्योंकि तूने पहले ही जरूरत से ज्यादा माजा पी लिया था। हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो, मुझे समझ आ गया है कि हर चीज का मजा लिमिट में लेना चाहिए, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मम्मी अब मैं क्या करूँ, मुझे माजा बिल्कुल पसंद नहीं रही और ये दवाई, इससे अच्छा तो आप मुझे कड़वी दवाई पिला दो, मुझे वो मंजूर है। सीमा अपनी बेटी को बहला फुसला कर माजा पिलाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका का भाई रोहन कोका कोला लेकर आता है। सीमा कोका कोला को देखकर सोचती है, क्यों ना अद्विका का टेस्ट चेंज करने के लिए उसको कोका कोला पिला दूं, क्या पता उसको अच्छा लगे। सीमा उसमें से कोका कोला निकालती है और अद्विका के लिए ले जाती है। अद्विका बड़े ही चाव से कोका कोला पीने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब मेरे मुँह का टेस्ट बदला है, थैंक यू सो मच, अच्छा फील हो रहा है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका की तबीयत में सुधार आ जाता है। इसकी वजह से वो माजा छोड़कर अब कोका कोला पीने लगती है और वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अद्विका का टेस्ट और उसकी पसंद भी बदलती रहती है। कुछ ही समय के बाद उसके लिए सुनील नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के का रिश्ता आता है। सीमा खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी सुनील से करवा देती है और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। माया एक आलीशान बंगले में बड़ी सी चेयर पर बैठकर हाथ में कॉफी का मग लिए कुछ सोच रही थी कि तभी उसका नौकर आता है और बोलता है, मेम साहब आपका काम हो गया है और खन्ना साहब के यहाँ से आपका मेल भी आ गया। ओके रामू काका आप जाइए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। नौकर के जाने के बाद माया खुद से कहती है, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। विपिन अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वो जोर से हंसती है और अपनी कलाई की घड़ी में देखती है, साथ ही ड्राइवर से चलने को कहती है। कुछ ही देर के बाद वो खन्ना इंडस्ट्रीज की कंपनी में पहुंच जाती है जहां वो कंपनी के डायरेक्टर और बॉस से मिलती है और उनके साथ में मीटिंग करती है। कुछ ही देर के बाद वो पेपर साइन करती है और खन्ना से हाथ मिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, कांग्रेचुलेशंस मिस माया, नाउ इट्स योर इंडस्ट्री, योर कंपनी, सो टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी। थैंक यू मिस्टर खन्ना। घर आकर माया रामू काका से शैंपेन की बोतल मंगवाती है और खुद से चीयर्स करते हुए कहती है, आखिर मैंने कर दिखाया, मेरा प्लान अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कंपनी तो टेक ओवर हो चुकी है, अब बस सबको मजा चखाना बाकी है। अगले दिन सुबह होती है और माया तैयार होकर आ जाती है, साथ ही अपने मम्मी पापा की तस्वीर के आगे नमस्ते करके दीपक जलाकर लैपटॉप लेकर कार की तरफ बढ़ती है कि तभी रामू काका बोलते हैं, अरे पिटिया जरा नाश्ता तो करती जाओ। अरे रामू काका मुझे भूख नहीं है और वैसे भी आज मेरा पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। अच्छा काम कैसे करोगी ऑफिस में बिना कुछ खाए, ऐसा करो ये दूध पी लो और ये रोल खा लेना कार में बैठकर। माया रोल को ले जाकर कार में खाने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो पहुंच जाती है और जैसे ही ऑफिस में घुसती है सबसे पहले अपने कैबिन में जाती है जहां बड़ी सी चेयर पर बैठकर उसे छूकर और अपनी नेम प्लेट पर अपना नाम देखकर वो कहती है, कितनी मेहनत और बेसब्री से मैंने ये सब पाने का इंतजार किया था, क्या क्या नहीं खोया मैंने इसके लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं शान से अपनी जिंदगी को जीऊं। ओह तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर विपिन हैंडल कर रहे हैं, जितने भी मेन एम्प्लॉय हैं उन्हें फटाफट से कैबिन में भेजो। ये सुनकर प्योंस सभी एम्प्लॉयज को बुलाता है और उन सब से माया कहती है, आप सब जानकर काफी शॉक्ड होंगे लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ कि खन्ना इंडस्ट्री अब से मेरी है, मैं हूँ यहाँ की नई मालकिन मिस माया, और मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप सभी अब तक ईमानदारी से काम करते आ रहे थे वैसे ही आगे भी करेंगे ताकि कंपनी की और मेरी कोई बदनामी ना हो, हमें बहुत ही ध्यान से इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। ओके
मिस्टर विपिन, आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं? यस मैम। ओके विपिन, अब आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, अब इसे पूर्णिमा हैंडल करेंगी। बट मैम, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए मिस्टर विपिन, आपसे जितना कहा जाए आप उतना ही कीजिए, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सभी अपना काम करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब माया विपिन को छोटी छोटी बातों पर इंसल्ट करती है, उसके काम में कमियां निकालती है और मीटिंग के अंदर उसे कहती है, व्हाट द हेल, ये कैसी प्रेजेंटेशन तैयार की है आपने मिस्टर विपिन? अगर आप ऐसी घटिया प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सॉरी मैम, आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन सही करके देता हूँ, प्लीज मैम। विपिन ऐसा कहता ही है कि माया अपना हाथ पानी के गिलास पर मारती है, जिससे विपिन का लैपटॉप भीग जाता है और विपिन उदास हो जाता है। उप्स, गलती से हाथ लग गया मेरा, आई एम सॉरी विपिन, बट ये मीटिंग हम यही कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही अगले दिन विपिन माया के कैबिन में आता है और उससे कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर्स लेता है। ये कुछ पेपर्स और हैं। अच्छा, मिश्रा वाली डील का क्या हुआ? मैम, वो तो कैंसिल हो गई, इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया। व्हाट नॉनसेंस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं तुम्हें इस नौकरी से दफा करती हूँ। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं बोलूँगा। तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो ना? कौन सा बदला, कैसा बदला, ये तुम क्या बात कर रहे हो विपिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विपिन अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखता और माया का गला पकड़ लेता है। ये सब करता हुआ उसे कुछ एम्प्लॉयज देख लेते हैं और फिर विपिन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जब से आई हो मुझे बस नीचा ही दिखाई जा रही हो। मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अरे विपिन, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मैम को। तभी माया उससे खुद को छुड़वाते हुए उसे चांटा मारती है और बोलती है, शर्म नहीं आती अपनी बॉस का गला पकड़ते हुए? पूर्णिमा, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मैम ये लीजिए, आप पानी पीजिए। थैंक यू पूर्णिमा। और मिस्टर विपिन, आप, मैं नहीं जानती आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपको यहाँ से निकाल रही हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें, तुमने जो किया है उसका हिसाब मैं जरूर लूंगा तुमसे। हिसाब तो तुम्हारा होगा विपिन। इस तरह विपिन अपने घर उदास होकर लौटता है। उसकी शक्ल देखकर उसकी वाइफ सुप्रिया उससे पूछती है, क्या हुआ विपिन, तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ विपिन? वो सुप्रिया, मेरी जॉब चली गई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं और ट्राई करूंगा, वहाँ जरूर जॉब मिल जाएगी मुझे। क्या, तुम्हारी जॉब चली गई? अरे हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सब छोड़ो, मेरी किटी पार्टी और शॉपिंग का खर्च, ये सब कैसे होगा? सुप्रिया तुम चिंता मत करो, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढूंगा ना। ये बोलकर विपिन हर कंपनी में ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। 2 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच उसकी पत्नी सुप्रिया उससे गुस्सा होकर अपना बैग पैक करके उससे बोलती है, विपिन अब बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ गरीबों की तरह, आई एम फेड अप विद यू, और तुम्हें नौकरी तो मिलने से रही, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए, गुड बाय। प्लीज सुप्रिया मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज सुप्रिया मत जाओ ना, प्लीज। विपिन छोड़ो मेरा पैर, एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो मैं तुम्हारा और अपना खर्चा उठाती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा, हटो मेरे रास्ते से। उसे धक्का मारकर सुप्रिया आगे बढ़ जाती है और विपिन रोने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और क्लब में ड्रिंक करने के बाद वो बाहर निकलता है और माया उसे अपनी गाड़ी में बैठकर देख रही होती है, साथ ही बहुत खुश होती है। उसका पीछा करते हुए वो एक पार्क तक पहुंच जाती है, साथ ही उसके पास जाकर बोलती है, सीन तो काफी जाना पहचाना और काफी अच्छा लग रहा है। ओह याद आया, ऐसे ही एक दिन तुमने मुझे भी रुलाया था। प्लीज विपिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, मैं तुम्हारे बिना बेसहारा हो जाऊंगी। अरे यार प्यार काफी नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए आजकल की जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि मैं सारा पैसा तुम पर लौटा दूं। माफ करना माया, बट मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, मुझे कोई और मिल गई है, बाय।
और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। देखना विपिन, आज तुमने मुझे रुलाया है, एक दिन तुम ही रोओगे। और क्या कहा था तुमने कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, शायद मैं अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं कर पाती। लेकिन तुमसे मिले धोखे के बाद विपिन, मैंने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि तुम जैसे लोग रोज मेरे आगे भीख मांगते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना था कि ये सब तुम कर रही हो। चेक इन मेट विपिन। और इस तरह माया विपिन से अपना बदला लेकर उसी की तरह उसे रुलाकर अपनी जिंदगी चैन से बिताने लगती है। साथ ही कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी में भी एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाता है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।